हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बी ए सेकेंड ईयर। हमारा नोवेल का थर्ड चैप्टर देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस, चैप्टर 3। इसमें क्या है, जेन गेट्स एन इनविटेशन, है ना। जेन को बींगले फैमिली से इनविटेशन मिलता है। सो आई एम गोइंग टू रीड इट, है ना। मोटा मोटा मैं इसको जो हैगा इसका मेन पार्ट है वो रीड करके आपको फटाफट बता देती हूँ कि व्हाट हैपन्ड जब जेन को इनविटेशन मिलता है, किन से, बींगले फैमिली से। एज वी नो कि मिसेस बैनेट शी वांटेड, वो चाहती थी कि मेरी बेटियों को वहाँ से इन्विटेशन मिले। सो आई एम गोइंग टू रीड थर्ड चैप्टर। मिस्टर बैनेट्स प्रॉपर्टी कंसिस्टेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ एस्टेट ऑफ 2000 अ ईयर, है ना, 2000 अ ईयर। उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है इतने की ही है। जो उसकी बेटियां हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी जो बेटियां हैं, जो देखो पुराने टाइम में थे, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि इनकी बेटियां 5 है तो इनके दूर की रिश्तेदारी में एक ही बंदा है जिसका नाम है कॉलिन, मिस्टर कॉलिन। तो सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी, क्योंकि जो मदर है उसकी एक सिस्टर है मैरिटन में रहती है और वो मिस्टर फिलिप से मैरिड है और वो दोनों लंदन में सेटल्ड हैं। तो बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बिकॉज जो भी उनका पैसा है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उनको बेटियों को नहीं मिलनी है। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स वाई मिसेस बैनेट वॉन्टेड कि उसकी बेटियों की जल्दी जल्दी शादी हो जाए। देन वॉट हैपन, जो विलेज है लॉन्ग बॉर्न का, है ना, जहाँ पे मैरिटन में उसकी बहन रहती है मिसेस बैनेट की, तो वहाँ पे जो टू यंगेस्ट ऑफ द फैमिली, जो कैथरीन और लीडिया, ये सबसे छोटी हैं और ये दोनों वहाँ पे जाती रहती हैं अपने आंट को मिलने के लिए। और वहाँ पे ये एक रेजिमेंट के बारे में भी सुनती हैं, और एक्चुअली में दोनों ही थोड़ी सी गर्लिश हैं, दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। तो जब वो ये बातें करती हैं कोई रेजिमेंट के बारे में, कोई ऑफिसर के बारे में, तो ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती। देन व्हाट हैपन कि आफ्टर लिसनिंग वन मॉर्निंग, जो भी ये बातें उसका फादर है वो सुनता है और उन्हें उसे क्या कहता है अपनी बेटियों को कि सिलीएस्ट गर्ल इन द कंट्री, द सिलीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। देन वो कहता है कि आई एम एस्टोनिश्ड माई डियर, सेड मिस्टर मिसेस बैनेट, दैट यू शुड सो, है ना। तो मिसेस बैनेट कहती है कि मैं एस्टोनिश होता है, सरप्राइज हूँ, हैरान हूँ कि तुमने अपनी बेटियों के बारे में ये तो कहा, है ना, मतलब तुम कुछ सोचते हो इतना, ये बहुत बड़ी बात है। तो देन कैथरीन क्या है, बहुत अपसेट है अपने फादर के रिमार्क से, क्योंकि उसने दोनों बेटियों को, कैथरीन और लीडिया को, सिलीएस्ट गर्ल्स कहा है, लेकिन लीडिया है वो अनडिस्टर्ब है, है ना। तो ये फीलिंग हमें बताई गई है। जो सर्वेंट है वो आता है एक नोट के साथ मिस बैनेट के पास नीदर फील्ड से। तो मिसेस बैनेट की आईज़ हैं, क्योंकि नीदर फील्ड में मिस्टर बींगले रहने आया, तो मिसेस बैनेट है उसकी आईज़ पूरी चमक रही हैं खुशी से। वो ईगरली कॉलिंग अपनी बेटी को बुला रही है। वो कहती है कि इट इज़ फ्रॉम, जेन कहती है जब वो देखती है जो भी इनविटेशन आया है, जो भी रिटर्न नोटिस आया है, मिस बींगले से आया है, जेन कहती है। उसने मुझे डाइन यानी डिनर के लिए बुलाया है। मिसेस हर्स्ट जो कि उसकी जो बींगले हैं उसकी बहन का हस्बैंड है, उसने मुझे मतलब बुलाया है। तो बाहर डाइनिंग आउट सिर्फ मिसेस बैनेट, दैट इज़ वेरी अनलकी, कैन आई हैव द कैरिज। तो अब क्या है, जेन को डाइन करने के लिए, डाइनिंग के लिए, मतलब डिनर के लिए उनके घर जाना है। तो शी इज़ आस्किंग फ्रॉम द मदर कि मैं कैरिज ले जाऊँ, बट मदर क्या कह रही है, नहीं तुम हॉर्स बैक पे जाओ, है ना, रेन भी होने वाली है। बट मदर है, देखो उसका माइंड कैसे चल रहा है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी बेटी की वहाँ पे शादी हो जाए। तो वो क्या चाहती है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो वहीं पे रह जाए, तो अपनी बेटी को वो हॉर्स बैक पे भेजती है, यानी हॉर्स पे बैठ के वो जाती है। एंड उसकी मदर कहती है कि जो कैरेज है ना, वो स्पेयर नहीं है और वो हमें फार्म पे भी चाहिए। तो जेन चली जाती है हॉर्स की बैक पे बैठ के। जब वो वहाँ पे पहुँचती है, वेदर बैड हो जाता है, तो जेन वहीं पे गीली हो जाती है, रेंड हार्ड, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। हर सिस्टर्स वर अनइजी फॉर हर, उसकी सिस्टर्स भी टेंशन में है मदर पर, हर सिस्टर्स वर अनइजी फॉर हर, लेकिन मदर क्या है, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है, खुश है। रेन कॉन्टिन्यू चलती है इवनिंग विदाउट स्टॉपिंग, तो जेन को वहीं पे रुकना पड़ता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है वो लगाया जाता है सर्वेंट के थ्रू नेदरलैंड में, और एक नोटिस आता है फॉर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के लिए जेन से, कहाँ से, नीदरफील्ड से, सेइंग दैट शी वाज इल, कि वो बीमार है, उसका सिर दर्द हो रहा है, उसका गला भी सोर हुआ पड़ा है, सोर थ्रोट यानी गला, हम कह सकते हैं सोर इन द सेंस की
क्या कहें, ठंडी में क्या हो जाता है, हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो वेल माई डियर सेड मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट कहता है कि तुम जाओ उसके पास, उसे कंफर्ट जोन लगेगा तुम उसके पास रहोगी तो। इट वॉज ऑल डन टू अट्रैक्ट मिस्टर बिंगले अंडर योर ऑर्डर्स, है ना। पीपल डू नॉट डाई ऑफ ट्रिफलिंग कोल्ड्स, क्या है मिस्टर बेनेट को पता है कि ये सब खेल मदर ने रचा है। तो मदर को वो कमेंट मारता है उसका जो हस्बैंड है, तो मदर क्या कहती है कि इतनी छोटी ट्रिफलिंग क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ों के कारण लोग नहीं मरते, तो वो भी जल्द ठीक हो जाएगी। तो एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा एंशियस है, डिटर्मिंड है अपनी सिस्टर को देखने के लिए। वो कैरेज अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो वो हॉर्स वुमेन, शी वॉज नो हॉर्स वुमेन, उसे हॉर्स भी नहीं चलाना आता, तो वो क्या डिसाइड करती है कि मैं चल के जाऊँगी। तो सबू से सिली भी कहते हैं, बट जो मैरिटन में उसकी जो मदर है, उसकी एक बहन रहती है, तो जो हमने पढ़ा था कैथरीन और लीडिया वहाँ तक जाती रहती हैं, तो वो कहती हैं कि कैथरीन और लीडिया कि हम तेरे साथ वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद तुम अपना रास्ता अकेले देख लेना। तो वहाँ तक वो जाती है, रास्ते में जाते जाते वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसके एंकल्स दुखते हैं डर्टी, उसकी स्टॉकिंग्स गंदी हो जाती है क्योंकि बारिश भी आई होती है, उसका फेस काफ़ी रोजी हो जाता है, वो एक्सरसाइज हो जाती है, लगातार चल रही है, उसके फेस पे काफ़ी वार्म्थ गर्माहट आ रही है, तो उसका अपियरेंस है बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। एलिजाबेथ वहाँ पे पहुँचती है, मिस बिंगले मिस्टर हर्स्ट उसको देखते हैं कि वो 3 miles चल के आई है इतने बैड वेदर में, तो बहुत अजीब बात है। शी वॉज रिसीव्ड हाउएवर, बट उसे रिसीव किया जाता है पोलाइटली, उसे बिठाया जाता है, उसके साथ अच्छे से बिहेव किया जाता है। मिस्टर डार्सी सेड वेरी लिटल, मिस्टर डार्सी को पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तो बहुत कम बोलता है। उसे उसका फेस है जो जिस तरह से वो बना हुआ है, रेड हुआ हुआ है, क्योंकि वो लॉन्ग वॉक से आई है, तो वैसा फेस उसे डार्सी को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो उसकी सिस्टर है वो सोई हुई है, बुरी तरह से बीमार है, बुखार है, उसे डॉक्टर आता है, वो एडवाइस क्या करता है कि इसे मेडिसिन दे दी है और यहीं पे रहना चाहिए। 3 o'clock एलिजाबेथ फेल्ट शी मस्ट गो, 3 बजे एलिजाबेथ क्या सोचती है कि मुझे जाना चाहिए, और वो बट जेन शोड सच कंसर्न इन पेंटिंग विद हर, मिस बिंगले कुड डू नथिंग बट इनवाइट हर टू रिमेन एट नीदर फ्रेंड फॉर द प्रेजेंट, है ना। मिस बिंगले है वो कुछ नहीं कर सकती, वैसे तो वो एलिजाबेथ से चिढ़ती है क्योंकि शी ऑल्सो वॉन्टेड टू मैरी डार्सी, लेकिन डार्सी की अट्रैक्शन किसकी तरफ है, एलिजाबेथ की तरफ है, क्योंकि जेन बहुत बीमार है तो एलिजाबेथ को वो जाने भी नहीं दे सकती, तो उसे वहीं पे इनवाइट करना पड़ता है एक और दिन के लिए। एंड एलिजाबेथ मोस्ट थैंकफुली अग्रीड, वो मान दी जाती है एलिजाबेथ बिकॉज हर सिस्टर इज देयर। एट 6:30 जब 6:30 बज जाते हैं, एलिजाबेथ वाज कॉल्ड डाउन टू डिनर, डिनर पे बुलाया जाता है उसे नीचे। जेन गोज बाय नो मीन्स बेटर, जेन अभी भी बेटर नहीं है। मिस्टर बिंगले सिस्टर ऑन हियरिंग दिस रिपीटेड हाउ सॉरी दे वर, हाउ मस्ट डिसलाइक बीइंग इन देमसेल्फ्स, है ना, मतलब कितनी बेचारी सी हैं ऐसे जो मिस बिंगले है बोलती है उनके लिए। The doctor, the brother concern for Jane was however very clear and his attention to Elizabeth prevented from feeling unwelcome. Elizabeth को ये feeling तो आ रही है कि मतलब मुझे unwelcome किया जा रहा है, but फिर भी रखा जा रहा है क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे है। जब dinner से वो return होके जाती है Jane के पास, तो Bingley उसे Miss Bingley उसे ridiculously मतलब अच्छा उसे behave से नहीं कर रही है, उसकी manners बड़ी अजीब हैं, है ना, उसे ये है कि एलिजाबेथ यहाँ से चली जाए। आई थॉट मिस एलिजाबेथ बैनेट लुक रिमार्कली वेल शी केम इन टू द रूम, इट शोज एन अफेक्शन फॉर हर सिस्टर विच इज़ वेरी प्लेजिंग, सेड बिंगले, है ना। बिंगले क्या कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है ना, मुझे अच्छा लगा वो अपनी बहन को मिलने आई है, ये मिस्टर बिंगले कह रहा है। एक्चुअली मिस बिंगले इज सेइंग समथिंग हियर आई थिंक, बिंगले ओके। देन कम टू द 14th पेज, डार्सी कह रहा है कि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, मुझे टेंशन है कि मिस बिंगले हाफ विस्पर कर रही है दैट दिस एक्सपीरियंस इज रादर स्पॉइल्ड एडमायरेशन फॉर हर फाइन आइज, नॉट एट ऑल ही रिप्लाइड, है ना। जो मिस बिंगले है वो डार्सी को भी पट्टी पढ़ाने की इन द सेंस भी हम बात कर सकते हैं, उसे उल्टा पुल्टा पढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन जो डार्सी है वो फुली अट्रैक्ट है टूवर्ड्स एलिजाबेथ। आई हैव द ग्रेटेस्ट अफेक्शन फॉर जेन बैनेट बिगेन मिसेज हर्स्ट, शी इज़ रियली अ वेरी स्वीट गर्ल, है ना। तो जो मिसेज हर्स्ट है यानी बिंगले की एल्डर सिस्टर है उसका वो है, वो क्या कह रही है कि मुझे जेन बहुत पसंद है, स्वीट गर्ल है, आई विश विद ऑल माई हार्ट शी वॉज वेल सेटल्ड, बट उसकी जो मदर है उसका फादर है वो लो रिलेशन उनके साथ हमारे बन जाएंगे, मतलब वो बताने की कोशिश कर रही है बिंगले को कि लड़की तो स्वीट है पर हम इनसे शादी करेंगे तो इनकी जो फैमिली है वो बहुत लो है। It must suddenly lessen her chance of marrying man of importance. Darcy remarked to this speech Bingley made no answer. Bingley कोई भी जवाब नहीं देता है। Elizabeth वहाँ से most of the night in her sister's room ही रहती है। Morning में वो फिर अपने Longbourn चली जाती है अपनी mother को कहने की Jane को visit करो। Form her own judgment, वो उसकी condition देखी। The note was immediately sent. Mrs. Bennet
देखती है और अपनी दो बेटियों के साथ वो भी एलिजाबेथ और जेन के पास पहुंचती है नीदरफील्ड में। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करती है, सेटिस्फाई हो जाती है जेन की अब जो इलनेस है वो ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है। मिसेस बैनेट काफ़ी खुश होती है कि रैपिड रिकवरी हो रही है। बिंगले मेट मिसेस बैनेट, बिंगले मिलता है मिसेस बैनेट से एक होप के साथ कि शी हैड नॉट फाउंड हर डॉटर वर्स, कि आपकी बेटी आपको ठीक लगी। इंडेड एज वॉज हर आंसर, शी इज ग्रेट डील टू इल टू बी रिमूव्ड रिमूव्ड क्राइड बिंगले। इट मस्ट लुक बी थॉट ऑफ व्हेन मिस्टर बिंगले एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न, उसकी डॉटर के बारे में वो उसकी हेल्थ के बारे में कंसर्न करता है, तो मिसेस बैनेट उसे थैंक्स कहती है उसकी काइंडनेस के लिए जो उन्होंने जेन के लिए किया, और अपोलॉजी भी करती है कि उनको ट्रबल में डाला एलिजाबेथ के कारण भी और जेन के कारण भी। मिस्टर बिंगले बहुत ज़्यादा पोलाइटली उनको जवाब देता है एंड शी स्पोक विदाउट मच वॉर्म्थ बट मिसेस बैनेट वॉज इजिली सेटिस्फाइड, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है। मिसेस बैनेट सेटिस्फाइड है कि मेरी जेन है जो शायद उनको पसंद आ गई। इन द इवनिंग एलिजाबेथ ज्वाइन द पार्टी, इवनिंग में ज्वाइन करती है एलिजाबेथ भी पार्टी। डार्सी वहाँ पे कुछ बैठ के लिख रहा है। When his letter was written, he requested Miss Bingley को request करता है एंड एलिजाबेथ को कि कुछ म्यूजिक बजाया जाए। मिस बिंगले मूव्ड अर्ली टू द पियानो, मिस बिंगले तो जल्दी से ही पियानो बजाने लग जाती है। मिसेज हर्स सेंग गाना गाती है मिसेज हर्स वाइल दे आर सिंगिंग। एलिजाबेथ कुड नॉट हेल्प ऑब्जर्विंग हाउ फ्रिक्वेंटली मिस्टर डार्सी आईज वर फिक्स्ड ऑन हर। तो जब वो पियानो बजा रही है, जब मिस बिंगले है और मिसेज हर्स्ट है वो गाना गा रही है, तो जो डार्सी हैं उसकी आईज फिक्स हैं किस पे, एलिजाबेथ पे, और एलिजाबेथ शी नोज एवरीथिंग। शी कुड हार्डली सपोज शी वॉज नॉट, उसे ये लग रहा है कि मैं कोई एडमायरेशन का ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, ये मुझे क्यों देख रहा है, उसे उसकी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। मिस बिंगले स्टार्टेड अ लाइवली स्कॉच ट्यून, एक अच्छी सी ट्यून वो बजाती है, लाइवली स्कॉच ट्यून, है ना, स्कॉटिश डांस उस पर किया जाता है। वुडंट यू डिज़ायर टू टेक, तो डार्सी जो एलिजाबेथ है उसे ऑफर करता है कि मेरे साथ डांस करो, बट वो उसे मना कर देती है। अगेन जो डार्सी है फिर से वो उसे डांस के लिए कहता है। ही रियली बिलीव दैट बट फॉर हर इन्फीरियर सोशल पोजिशन ही वुड बी इन सम डेंजर ऑफ फॉलिंग इन लव विद हर। मिस बिंगले सो इनफ टू बी जेलस, मिस बिंगले है बहुत ज़्यादा जेलस में है एलिजाबेथ से, वो उसे निकलना चाहती है कि एलिजाबेथ यहाँ से निकल जाए। जेन वॉज वेल इनफ टू लीव हर रूम, और जेन ठीक है वो जा सकती है। इवनिंग ब्रॉट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम व्हेन शी वॉज वेलकम बाय हर टू फ्रेंड्स। एलिजाबेथ नोटिस्ड विद ग्रेट डिलाइट बिंगले सीम्ड वेरी हैप्पी टू सी हर। एलिजाबेथ खुश है कि जो बिंगले है वो जेन को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, एलिजाबेथ ही चाहती है कि बंदा उसे रिस्पेक्ट दे। एलिजाबेथ रॉट नेक्स्ट मॉर्निंग टू हर मदर बेगिंग दैट द कैरेज माइट बी सेंट फॉर दैम इन द कोर्स ऑफ द डे। एलिजाबेथ नेक्स्ट डे लेटर लिखती है अपनी मदर को कि कैरेज भेजा जाए। मिसेस बैनेट सेंट वर्ड दैट दे वुड नॉट पॉसिबली हैव इट बिफोर ट्यूजडे, ट्यूजडे से पहले वो नहीं भेज सकती मिसेस बैनेट कहती है, बट एलिजाबेथ वॉज डिटरमाइंड नॉट टू स्टे लॉन्गर। एलिजाबेथ को अब क्या लग रहा है, हमें और ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। शी अर्ज जेन टू बोरो मिस्टर बिंगले कैरेज, वो जेन को कहती है कि मिस्टर बिंगले का कैरेज मांग लो। द मास्टर ऑफ द हाउस ट्राई टू परसुएड जेन शी वॉज नॉट वेल इनफ टू ट्रेवल, है ना, जो मास्टर है घर का यानी बिंगले है उसे बार बार मना कर रहा है जेन को कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अभी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, लेकिन जेन भी काफ़ी फर्म है कि नहीं अब मुझे अपने घर जाना है। दे वर नॉट वेलकम हो वेरी वार्मली बाय द मदर, मदर उन दोनों का वेलकम अच्छे से नहीं करती घर पे। हु वॉन्टेड दैम टू स्टे, क्योंकि उसकी मदर क्या चाहती थी, और दिनों के लिए तुम वहाँ पे रहो, तभी तो वो कहती है ट्यूजडे से पहले कैरेज नहीं मिल सकता। बट द फादर वॉज रियली ग्लैड टू सी देम, लेकिन फादर है मिस्टर बैनेट है वो खुश है अपनी बेटियों को वापस आते देखेंगे। टुमोरो अ लेटर फ्रॉम मिस्टर कॉलिन्स हम रीड करेंगे, फोर्थ चैप्टर है एक्चुअली स्टूडेंट्स, चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है तो मैं तीन तीन चैप्टर भी आपको इकट्ठे करवाने लग जाऊंगी, और उसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं सर वही बताऊंगी। जैसे आज तो मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी, वैसे पॉसिबल नहीं होगा, वैसे तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी जो प्राइड एंड प्रेजुडिस पे एक थीम का वीडियो डाला हुआ है, कैरेक्टर स्केच एलिजाबेथ का, जेन का, डार्सी का, बिंगले का, ये डाले हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, वीडियो में मैंने डाला हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।